लंका विजयी भगवान श्री राम रावण का वध करके श्री अवध में प्रवेश कर रहे हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति वंदना कर रहे हैं। और यहाँ श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीश विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। मंडन मंडन चारुतरम घृत सायक चाप निसंग बरम मद मोह महा ममता रजनी तुम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए छबिनाथ अनाथनि पाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे।
कहु रोग वियोगनी लोग हुए भव दंघ्री निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलीन दुखीनी तही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके राग न लोभ न मान मदा तिन्के सम वैभव वा विपुदा एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुध हिए सम्मानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महा रणधीर अजे तब नाम जपामि नमामि हरि भ
भव रोग महागद मान अरी। परमायतनं प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं रघुनंदनिकंदय द्वंद्वघनं महिपाल विलोकये दीन जनम। बार बर मांगू हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुन हरसि गए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास।